So hello students and welcome to our channel EduEntainment. So आज हम जो topic करने वाले हैं वो है equation reducible to pair of linear equation in two variables. तो ये जो video रहने वाला है वो short and sweet रहने वाला है. ये हमारा जो series चल रहा है EduEntainment shorts, ये उसका एक next video है. तो अगर आपको ये video पसंद आए तो जरूर like कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हमारा चैनल और ग्रो करेगा. तो शुरू करते हैं थोड़ा जोश के साथ. हाउ इज द जोश? हाय सर. हाउ इज द जोश? हाय सर. आई सेड हाउ इज द जोश? हाय सर. स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको ऐसा जरूरी है एग्जाम में एकदम सिंपल दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दे और आपको सॉल्व करने को बोल दे. आपको ऐसे भी इक्वेशन, ऐसे टाइप के इक्वेशन भी एग्जाम में दे सकते हैं. हमारा जनरल क्या होता था, इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ये हमारा जनरल फॉर्म है. आप ध्यान से देखोगे ये तीनों तीन एग्जाम्पल में ये जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है. ऐसे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देंगे ऐसे टाइप के, ये तो मैंने एक एक एग्जाम्पल के लिए बताया. तो क्या करना है इसमें, सिंपल ऐसे जब हो के 3 by x plus 2 by y equals to 5, ऐसे जब आपको इक्वेशन दो दिए हो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या करो, लेट u equals to 1 by x and v equals to 1 by y, ये आप सपोज कर दो ये दो चीज. अब क्या होगा, ये आपने जैसे ही आपने ये सपोज किया, आप 1 by x की जगह u लिख लोगे और 1 by y की जगह v लिख लोगे, तो आपका ये देखो ये जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. तो हमारा काम हो गया. अब क्या करेंगे, अब जैसे ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए होंगे तो आप सॉल्व करेंगे उसको, तो आपको u और v की वैल्यू मिलेगी और फिर आप यहाँ पे u की वैल्यू रखो और x फाइंड करो, v की वैल्यू रखो और y फाइंड करो. तो ये है इस टॉपिक में ये जो ऐसे इक्वेशन दिए होंगे. एक और एग्जांपल है, इसमें क्या है 3 by x minus y plus 2 by x plus y, इसमें भी सेम ही करना है. बस सपोज कर लो u equals to 1 by x minus y, x minus y और v को 1 by x plus y. तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे u आ जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा. तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. आपको फिर से u और v की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे u की वैल्यू रखो, दो इक्वेशन बनेंगे, फिर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसे भी इक्वेशन दिए होंगे, ऐसा इक्वेशन 9x minus 10y equals to 8xy. तो यहाँ से हमको तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट चाहिए, x और तो चाहिए नहीं, तो यहाँ से समझ में आ जाता है हमको क्या करना है कि x y से डिवाइड कर दें. तो ये x y x y कैंसिल, अब 9x by x y, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो 9 by y minus ये y y कैंसिल हो जाएगा, 7 by x equals to 8. अब हमको क्या करना है कि 1 by y को v मान लेना है, 1 by x को u मान लेना है, या जो एग्जांपल और सेम ही आपको u और v की वैल्यू फाइंड करनी है वैल्यू, और फिर आप इक्वेशन में रख देंगे तो आपको x की और y की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 10 का, क्या है, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. थैंक यू.